हेलो फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आज मैं आपको सावन में या व्रत में, किसी भी व्रत में खाई जाने वाली टेस्टी खीर बनाना बताने जा रही हूँ। किस चीज़ की खीर है ये आपको आगे देख के ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने ये आधा लीटर करीब दूध लिया है, इसको मैंने चढ़ा दिया था। देखिए हल्का, देखिए आपको लग रहा है ना गर्म हो गया है, तब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे। मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी डाली है। और फ्रेंड्स इसमें हम अपना 3/4 हम केसर के डाल देंगे। केसर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालिए, आपके पास हो और आपका मन हो तो डालिए, ना मन हो तो ना डालिए। फिर फ्रेंड देखिए इसमें एक बस उबाल आने देना, हमको सिर्फ उबलने देना है, हमको इसको कोई गाढ़ा नहीं करना है। एक बार ये अच्छे से उबल जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड देखिए जब तक हमारा दूध उबल रहा है, देखिए हमने एक कढ़ाई ली, इसमें देखिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी लिया है और ये मैंने 4-5 बादाम और 4-5 काजू, इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स अपने इच्छा के अनुसार जो भी मन चाहे वो ले सकते हैं, या ना डालना हो तो ना भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम इसको आधा मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा स्लो फ्लेम पे रोस्ट करिएगा। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, देखिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भीग गया है, देख रहे हैं। अब हमको इस साबूदाना को हमको इसी ड्राई फ्रूट्स में वाली कढ़ैया में डाल देना है और इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कड़ा नहीं करना, बस अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमको इसमें देखिए हमने जो दूध जो बॉयल करके रखा था, चीनी डाल के, फ्रेंड्स चीनी डाल के दूध इसलिए बॉयल करा, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बाद में चीनी डालते हैं तो किसी किसी की खीर जो है फट जाती है। तो अगर चीनी डाल के आप दूध बॉयल करके कोई भी खीर या सेवई बना रहे हैं तो उससे आपको कभी भी अंदेशा फटने का नहीं रहेगा। तो अब हमने इसमें ये डाल दिया है दूध और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी खीर पकते पकते, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए हमें ये चाहिए, इतना गाढ़ा हमको खीर पकाना है। देखिए फ्रेंड्स हमारी टेस्टी साबूदाने की व्रत में खाई जाने वाली या ऐसे भी, और साबूदाने में बहुत ताकत होती है। आप इसको भी अगर आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद हो तो आप इसको खिलाइए, इसमें बहुत एनर्जी होती है। फ्रेंड्स लीजिए हमारी खीर बनके तैयार है। आप इसको व्रत में, उपवास में या जब भी आपका मीठा खाने का मन हो आप इसको बनाकर खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको सर्व करते हैं और इसका मज़ा उठाते हैं। फ्रेंड्स हर बार की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे आने वाले नए यूनिक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी टेस्टी साबूदाने की खीर बन के तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स इस सावन आप इसको ट्राई करिए और इसका मज़ा उठाइए। ओके फ्रेंड्स बाय।